दो तीन तो पहले से ही बैलेंस है, तो और तो आपके लिए बहुत अच्छा है फिर तो वो। मैम, द एलिमेंट हुज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नोन, हाउ टू सॉल्व देम? हाँ, उसके लिए आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, उसके लिए तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी, वो भी मैं बता दूंगी, धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैम, मैम सो वी मेथड नीड टू, टू लर्न 118 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन. हाँ, 118 एलिमेंट्स तो नोन चाहिए, 118 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो ब्लॉक होते हैं मतलब मैं 28, अराउंड 30 to 40 एलिमेंट्स, अगर नहीं भी पता है, वो नहीं पता होते हैं, अराउंड 30 to 40 एलिमेंट। तो बाकी एलिमेंट्स तो फिर याद हो ही जाएंगे, 60 70 तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। उसका सिर्फ हमें यही तो चाहिए ना, हमें पूरा थोड़ी चाहिए कि कहाँ पे है, हमें इतना याद नहीं करना। अभी तो एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, क्रोमियम दिखाई दे रहा है, वो अपने आप जब जब आप पढ़ोगे तो अपने आप ये याद होते जाएगा, अपने आप हो जाएगा याद, तो उसका यस टेंशन मैम. नहीं लेना है। अभी यहाँ पे तो मैंने दे दिया आप लोगों को कि जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख के था, लेकिन केमिकल रिएक्शन में वो नहीं होता है, वो प्रॉपरली आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला दिया जाता है, तो आपको इतना तो पता होता है कि Al एल्यूमिनियम है, H हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, ये चीजें तो आपको पता है उतनी। चलिए करें मैम, स्टार्ट, इन क्वेश्चन बोलो देयर बोलो। इज गिवन दैट स्टीम टू बी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीम टू बी राइटन. H2O, H2O वाटर ही स्टीम है ना, वाटर ही है। आइस भी अगर बोलते हो तो वाटर होगा, लिक्विड भी वाटर ही होता है, और स्टीम की भी बात करेंगे तो वाटर ही होगा। तो स्टीम का भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टीम ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। यस मैम. ओके चलो, बाकी हो गया सबका। आगे हाउ टू लर्न वैलेंसी, वैलेंसी लर्न नहीं करना है, हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। देखो प्रार्थना, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, अगर मैंने लिखा है सोडियम, आपको सोडियम दिया हुआ है, और सोडियम का नंबर होता है 11, तो इसका कॉन्फिगरेशन अभी आपको जो पता होगा, शायद अभी आपको जो पता होगा, मुझे नहीं पता ये आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पे इसको लिखा जाता है 281, इसको लिखा जाता है 281, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी वैलेंस से कितनी होगी 1, दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, पता है ना आपको, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। लेकिन अगर मैं यही पर नाइट्रोजन ले रही हूं जिसका नंबर 7 होता है, तो यहाँ पे इसका कितना 2 and 5 है, तो इसके वैलेंसी 5 नहीं रहेंगे। ये क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3, दैट इज अ वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी, होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ द एलिमेंट की, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज अ वैलेंसी इज 3 हो गई। ठीक है, -3 यस प्लस भी है तो मैम. बात की बात है, तो यहाँ पे हम 3 बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 ही है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना, तभी तो जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 की है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, तो अगर एटॉमिक नंबर याद रखते हो तो हो गया, फिर तो आप किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हो। एक और चीज, अगर जो मेटल है, अगर मेटल है, मेटल में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल रहेगा उसमें यहाँ पे 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी याद रखना है। तो अगर आपको मेटल दिखाई दे, आपको मेटल एंड नॉन मेटल पता है, तो आप इजिली वैलेंसी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी एक ट्रिक्स है, वो भी एक हम बोल सकते हैं कि इजी वे है वैलेंसी निकालने का। चलो, और किसी का को कोई डाउट है, आगे बढ़े हमने मैम कल। हाँ बोलो, मैम, एस बी ए हैज दी वैलेंसी ऑफ 2 एंड SO4 हैज दी वैलेंसी ऑफ 2. सो Ba2 SO4 होल ट्वाइस होगा, पर हम इसे Ba SO4 लिखते हैं मैम. यस, बीए की वैलेंसी कितना बोला, +2 बोला आपने, यस मैम.
एसओ फोर कितना बोला, टू माइनस, यस मैम। इसको क्रिस क्रॉस करो, इसको यहां पे लेके आओ और यहां पे लेके आओ। तो आपने बोला ये क्या होना चाहिए था, बी ए टू एसओ फोर होना चाहिए था, ठीक है। या आपने बोला यहाँ पे इसको एक सिंप्लीफाई कर देते ना, इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते। यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, क्या मैं इसको प्लस वन और इसको माइनस वन कर सकती हूँ? यस मैम। तो क्या बन गया, बी ए का एक है, एसओ फोर का एक है, बन गया बी एसओ फोर। अभी देखो यहाँ पे ए एल सी एल थ्री है, इससे भी आप वैलेंसी को निकाल सकते हो। ए एल सी एल थ्री है, क्रिस क्रॉस करो, ये ए एल लिखा, ये सी एल थ्री लिखा, तो ये सी एल यहां पे लेके आओ, ठीक है, इसके सर पे। और यहां पे कुछ नहीं, मतलब वन है, वन यहां पे लेके आओ इसके सर पे। देखो एल्यूमिनियम कितना है, मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, कितना आएगा थ्री प्लस, बन के वैलेंसी। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल, माइनस वन। तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, इसको बोलेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। किसी भी आप किसी भी एलिमेंट्स को ऐसे कर सकते हो, क्रिस क्रॉस से आप वैलेंसी पता कर सकते हो। तो ये भी एक इजी मेथड है, बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी है, पढ़ना शुरू करना है आपको। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे ये देखो NaCl, Na यहाँ पे Cl, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये वन यहाँ पे लेके जाओ माइनस वन, ये वन यहाँ पे लेके जाओ प्लस वन। Na किस फॉर्म में है, प्लस वन की फॉर्म में, Cl माइनस वन की फॉर्म में, बन गई बैलेंस। क्लियर हुआ है? चलो मैम वन मोर डाउट इज देयर, बोलो मैम। एज इथेन इज रिटन इज C2H6, तो फिर मैं हम सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? C2H6 को सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपलीफाई करके लिखना है आपको। यस मैम। CH4, CH4 नहीं, इसको लिखोगे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको सिंपलीफाई करना है तो इस फॉर्म में लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दो कार्बन हो रहे हैं, छह हाइड्रोजन हो रहे हैं, वही है। तो इस तरह से लिखो, या तो इस तरह से लिखो, बाकी और सिंपलीफाई कोई नहीं तरीका होता यहाँ पे, यही तो इसमें। मैम बोलो संध्या। मैम आई हैव अ डाउट इन केमिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा मैम? केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आएगा, दैट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ये वाला। ये एसिटिक मतलब ये एसिड वाला ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, और ये होता है यहाँ पे एक कार्बन। तो इस तरह का पूरा जो फॉर्मूला बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा, यहाँ पे दो कार्बन है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये आगे पढ़ोगे, अभी मैं बता रही हूँ, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं उसको, इसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कहते हैं। Ma'am, it is written like CH3, CO and OH. Ma'am, why don't we write O2H? O2H लिख सकते हो, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है, लिख सकते हो, समझने के लिए। या तो आप इस तरह से भी लिखो CH3, COH, ये भी लिख सकते हो। ये एसिड रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको 2 कर दो यहाँ पे, CO2H कर दो, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो स्टार्ट करें। चलो बाकी बोलेंगे डाउट ही सॉल्व करो मैम आज। तो आप अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या चल रहा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया था, डिकम्पोजिशन हो गया था ना हमने, हाँ डिकम्पोजिशन में हमने तीन पढ़े थे, एक थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा था। नेक्स्ट डालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये वर्ड तो बहुत बार सुना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ पे द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अभी रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी क्या होगी। अभी यहां पे आपको एक आता है रिएक्टिविटी सीरीज,
आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी या सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है। अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको पता है कि मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पोटेशियम, देन अगर मैं लिखूं यहाँ पे बेरियम होता है, देन कैल्शियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, एफी, निकेल, ये सब एलिमेंट्स है, मेटल है यहाँ पे, एसएन, यहाँ पे आएगा पीबी। क्या क्या लिखा मैंने, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी मतलब आयरन, निकेल, एसएन टेन और पीबी। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, इसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। आर्गन तो बहुत लेस रिएक्टिव है यार, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन के ऊपर मैंने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अभी हाइड्रोजन के बाद में जो एलिमेंट लिख रही हूँ उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जैसे कॉपर हो गया यहाँ पे, मर्क्यूरी यहाँ पे, एजी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। आप लोग जानते हो कि अगर सिल्वर है जो हम घर में पहनते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिल्वर, गोल्ड है यूज करते हैं, प्लैटिनम यूज करते हैं, वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। अगर रिएक्ट होते तो आप लोग देखते कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने गोल्ड का पहना, जैसे एज इट इज है वही है, यहाँ पे एसिड यूज होगा, बेस यूज हो, कुछ भी हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड पे, मतलब वो कितना भी हो किसी के साथ रिएक्ट होते ही नहीं है। रिएक्टिविटी सिल्वर की रिएक्टिविटी होती है, आप देखो सिल्वर थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, तो सिल्वर की रिएक्टिविटी है बट बहुत कम होती है। तो इसके ऊपर जितने भी आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं सब रिएक्टिव रहेंगे, और इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो है सब कैसे रहेंगे, लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की देखूं, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, और नॉन मेटल में पे पर्टिकुलर हैलोजन की रिएक्टिविटी बता रही हूँ, किसकी, हैलोजन की। तो यहाँ पे जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है उसमें होता है क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और उसके बाद होता है आयोडीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोरीन, क्लोरीन इतना ज्यादा होता है कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है ये, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन। चलो एग्जांपल देखें, पहले इतना नोट कर लो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एग्जांपल। अभी एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, और मैंने कल बताया था जो कॉपर सल्फेट होता है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर का, जो मैंने ब्लू विट्रियोल की बात की थी। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद एफी, आप आयरन देखते हो सब लोग जो ग्रेइश कलर का होता है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। अभी देखो यहाँ पे लिख के दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोलोगे कॉपर नहीं है, कॉपर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जिंक के बाद अगर कॉपर लिख देते हो यहाँ पे तब भी चलेगा। तो कॉपर क्या करेगा यहाँ पे, डिस्प्लेस करेगा, या सॉरी एफी क्या करेगा, डिस्प्लेस यहाँ पे कॉपर तो है, सॉरी यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, एफी को अपने साथ SO4 लेके आएगा, तो एफी SO4 कंबाइन हो गया और यहां से क्या निकल गया, कॉपर बाहर निकल गया। अभी जो FeSO4 है उसको मैंने कहा था ग्रीन विट्रियोल होता है, तो ये क्या रहेगा, ग्रीनिश कलर रहेगा। और यहाँ पे जो कॉपर है, आपके घर में भी कॉपर के बर्तन बहुत ज्यादा हो गए, कैसे होते हैं, रेड ब्राउन कलर के होते हैं, ये छोटे छोटे कलर आपको याद रखना है, ये घर में भी यूज करते हो कॉपर, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो एक रिएक्शन ये वाली होगी कि जहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऊपर का रख कर दूं, कर दो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखो। मैम बोलो मैम, व्हाट यू हैव रिटन आफ्टर रिएक्टिंग ऑफ नॉन मेटल इन ब्रैकेट, हैलोजन, हैलोजन मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं, ये क्या रहेंगे, हैलोजन।
ओके मैम, मैम व्हाट यू हैव रिटन आफ्टर रिएक्टिविटी कहाँ पे मैम? रिएक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में रिएक्टिविटी सीरीज में क्या? Okay, ma'am. I just wanted to know what was written after reactivity. Okay, okay. Reactivity series. Okay. Then next reaction is CuCl2, copper chloride. ये होता है green color का. आपको ज़्यादा color याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बस मैं लिख के दे रही हूँ, तो color समझते जाओ और भूलते जाओ. इतना नहीं कि हमें नहीं यार CuCl2 green color होता है, green color होता है, नहीं. इतना रट्टा नहीं मारना. तो ये green color का होता है यहाँ पे CuCl2. उसको रिएक्ट किया जाता है पीबी के साथ. इसको किसके साथ रिएक्ट किया? पीबी के साथ. अभी मैंने कहा कि ये हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लो रिएक्टिव है. ये डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? पीबी सीएल टू के साथ कंबाइन होगा और यहाँ पे बनाएगा पीबी सीएल टू. यहाँ पे क्या बनाएगा? पीबी सीएल टू. और यहां से फिर से कॉपर क्या निकल जाएगा? बाहर. तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. विच रिएक्शन? या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और है, अगर मैं लिखूं AgNO3, क्या लिखा? बहुत सारे रिएक्शन है हमारे पास. सिल्वर नाइट्रेट. अगर मैं कॉपर के साथ रिएक्ट करूं, देखो अभी कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है इससे, Ag से. कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई Ag से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? अभी फॉर्म यहाँ पे देखो, कॉपर प्लस टू के फॉर्म में. कॉपर जब भी हम देखो प्लस टू के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा CuNO3/2. और यहाँ से Ag बाहर निकल जाएगा. यहाँ से क्या निकल गया? Ag बाहर निकल गया. तो हमें ये रिएक्शन भी याद रखनी है. एक्सक्यूज मी मैम, बोलो. मैम इन रिएक्शन ऑलवेज मोर रिएक्टिव वन इज रिटन सेपरेटली. बोल सकते हो, लेकिन जब डबल डिस्प्लेसमेंट आएंगे तो वहां पे नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट में बोल सकते हो कि जो लेस रिएक्टिव है उसको सेपरेटली लिखा है करके, वो बोल सकते हो. चलो यहां तक रफ कर दू, नेक्स्ट ले लो. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, उसको नहीं भूलना है. रफ कर. अभी तक आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर रहा था लो रिएक्टिविटी के लिए. हाईली रिएक्टिव मतलब जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल होता है, जो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मर्क्यूरी कॉपर ये लेस रिएक्टिव होंगे. उसके बाद इन्हें डालो डबल, फोर्थ रिएक्शन है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये भी हमें देखना है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट्स. मैं डेफिनेशन लिख रही हूं, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स reacts by an exchange of ions and new compound formed are called double displacement reaction. अभी यहां पे दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ क्या हो रहे? रिएक्ट हो रहे. दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए. देखो एक ले रही हूं मैं यहाँ पे AgNO3 ले लिया, सिल्वर, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा है NaCl, दूसरा है NaCl. अभी पहले इसमें क्या हो रहा था कि एक ही कंपाउंड एक्सचेंज हो रहा था. यहां पे देखो
यहाँ पे अगर मैं आयंस की बात करूं तो यहाँ पे Ag प्लस है, यहाँ पे होता है NO3 माइनस, क्रिस क्रॉस कर लेना, यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस होगा। अभी मुझे बताओ ये पॉजिटिव किसके साथ एक्सचेंज करेगा, Cl माइनस के साथ। NO3 किसके साथ जाएगा, Na प्लस के साथ। मतलब यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी एक का नहीं हो रहा। यहाँ पे Ag प्लस जो आयंस है उनकी एक्सचेंज हो रही है, मतलब कंपाउंड क्या मिल रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है NaNO3 और यहाँ से फॉर्म होगा AgCl। क्या समझ में आया है? जब दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं उनके आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रही है। किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? अगर आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं तो वहां पे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन लेती हूं मैं, आपको सबको पता है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां पे लिया मैंने HCl, यहां पे है NaOH। देखो यहां पे क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है, एक आयंस हो गया। यहां पे Cl- आयंस है, यहाँ पे Na प्लस है और यहाँ पे क्या बेटा OH माइनस। बताओ क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, बताओ बताओ। H2O प्लस NaCl। वेरी गुड। H प्लस किसके साथ जाएगा, आयंस की एक्सचेंज करना है ना बेटा, OH के साथ। Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया NaCl और यहाँ पे हमने वॉटर बना लिया, हो गए आयंस के बीच में एक्सचेंज। आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद NH4OH, इसके साथ NH4OH के साथ। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, Al3+ है, Cl- NH4+ है यहाँ पे, और क्या हो रहा है यहाँ पे Ag OH है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो देखो लिख लेती हूँ यहाँ पे Al3+ Cl- NH4+ OH-, चलो कंबाइन कर दो Al और OH, मतलब AlOH by 3। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कोई बात नहीं है NH4Cl। तो यहाँ पे भी आयंस की एक्सचेंज हो रही है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो जल्दी से। Now, how did chlorine combined with NH4 as they have same negative charges? Next reaction is redox reaction. Next, please. Redox reaction. अभी what is mean by redox? Red मतलब होता है reduction. Red मतलब reduction. And OX मतलब होता है oxidation. अभी आप लोग जानते हो कि रेड मतलब होगा रिडक्शन, ओ एक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम देखते हैं पहले कि ऑक्सीडेशन क्या होता है।
पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन. अभी आप लोग टेंथ में हो तो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन वाली जो डेफिनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्या यही आप लोगों ने पढ़ा है? जब भी ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो. सही बात है. अभी देखो कार्बन को अगर मैंने O2 को ऐड कर दिया, कार्बन के साथ O2 को कंबाइन कर दिया, आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये तो हो गई रिएक्शन. बट अभी मैं थोड़ा सा आपको टेंथ में गए हो तो इतना छोटे नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी यहाँ पे. और एक डेफिनेशन याद रखना है इसकी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये थोड़ा सा ऊपर है लेकिन याद रखना, हमें आगे पढ़ना है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. इसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होगा. अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले रही हूं, ठीक है, सोडियम का नंबर है 11 एटॉमिक नंबर. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बेटा? 281 रहेगा, जो कि आप लोग पढ़े हो. अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को बोलेगा निकल जाओ. तो यहाँ पे Na क्या हो जाएगा? प्लस होगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. क्या इस रिएक्शन को भी मैं ऑक्सीडेशन कह सकती हूँ? ये भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. तो फंसेंगे ही, हमको ही फंसेंगे. विच रिएक्शन? यस आकाश, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. मतलब सोडियम का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, या सिंपल आप लोग बोल सकते हो कि कार्बन का भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. कार्बन का भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. अभी इसके अपोजिट क्या रहेगा? इसके अपोजिट रहेगा रिडक्शन. इसके अपोजिट क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे. क्या होगा रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हो, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. इसको क्या बोलोगे आप? इज कॉल्ड रिडक्शन. सही है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ, अभी यही रिडक्शन. अभी यहां पे मैंने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पे क्या आएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. कैसे? देखो क्लोरीन है, नंबर होता है 17, दिखाई दे रहा है? नंबर होता है 17. कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 287 है. अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस. इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस. दोनों याद रखना, दोनों याद रखो. चलो लिखो जल्दी. मैम रिटन. यस गुड. अभी रिडक्शन समझ में आया? रिडक्शन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. आपके बुक में क्या लिखा होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडॉक्स रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. दोनों एक साथ हो रहा है. मैं आप कर दूं प्लग कर दी. उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. हाँ चलो, और इसमें एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट तो बताया कि कुछ काम करता है दूसरों के लिए. अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, वो दूसरों को क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज कर रहा है. द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, द सब्सटेंस सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, खुद का रिडक्शन हो रहा है, बट अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको क्या कहोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी. अभी इसके अपोजिट क्या होगा, एक्सक्यूज मी, एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. The substance which gets electrons. Yes, the substance which gets oxidized. खुद oxidize हो रहे हैं और दूसरों को क्या करेंगे, reduce करेंगे, is called reducing agent. इसको हम बोलते हैं reducing agent. Is called reducing agent. खुद oxidize होंगे और दूसरे को रिड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. डेफिनेशन यहाँ पे एक एक देखते हैं. अभी यहाँ पे कॉपर और लिखा हुआ है O2. जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, यस, NaCl इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, गुड. अगर कॉपर O2 के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड. देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे भी दो कॉपर चाहिए. तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब क्या हो रहा है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज. कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो O2 क्या हो रहा है बेटा, O2 यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. क्लियर हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का. तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है. अच्छा फिर से समझाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब कुछ काम करता है. दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. अब प्रार्थना जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होगा, किसी को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा. हाँ एग्जांपल देखते, देखो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. मतलब कॉपर यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. क्या समझ में आया है, क्या ये बात समझ में आई है. कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा. अगर ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है भाई, दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करेगा. यस आर्यन मैम, कैन यू टेल मींस वन टाइम हाउ कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. अभी मुझे बताओ, ये रिएक्शन लिखी है मैंने, इसमें और भी ट्रिक्स है लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होना चाहिए. यहाँ पे कॉपर है, कॉपर किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब जिसके साथ कंबाइन हुआ है उसका ऑक्साइड बन रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं, कॉपर का ऑक्साइड बना, तब जाके कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ. ओके दूसरा एग्जांपल दू यहाँ पे, और एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको मैम. ऑक्सीजन दे के भी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है ना यहाँ पे, तो अगर वो रिड्यूस है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है ना, खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. वो अपोजिट होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है. इतना सोचो, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है. यस अंडा,
Ma'am, which element here? Ma'am, which element here is losing its electron? Which element? जो oxidize हो रहा है, जिसका oxidation हो रहा है. यहाँ पे copper क्या करता है? Copper Cu2 plus बनाता है. और यहाँ से दो electron lose. Ma'am, we can't see below. कॉपर यहाँ पे Cu2 plus की फॉर्म में आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. और यही दो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. क्लियर है संध्या? कॉपर ऑक्सीडाइज हो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. यस मैम. अभी यहाँ पे देखो, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये बनेगा Na2O. रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1/2 कर दूं मैं. ठीक है, अभी देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो सोडियम है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में, तो ये ऑक्सीडाइज होगा. और O2 क्या होगा? अगेन O2 भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. O2 भी क्या हो रहा है? रिड्यूस. और भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, इतना ईजी ये है नहीं, मतलब अभी तो आपको ईजी वे में बता रही, बट बहुत बड़ा कंसेप्ट है. क्लियर हुआ है? यस, गुड. चलो रैप कर दूं. लिख लिया सबने. अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हमारे लाइफ पे क्या होता है? क्या हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं? बहुत जगह पे रिडॉक्स रिएक्शन में देखूं, अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, जितने भी बैटरी है सब बैटरी पे रिडॉक्स रिएक्शन है. जो आप बैटरी देखते हो ना, बैटरी में रिडॉक्स रिएक्शन होती है. और कहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी? जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होता है. आर्यन आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. फोटोसिंथेसिस है, उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. जो बैटरी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपके घर में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर जो होता है, उसमें भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली. देन कोरोजन, आप लोगों को पता है कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, वहां पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है. आर्यन आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही है, तो आप टाइप कर सकते हो मैसेज में, पढ़ लो. ओके, आर्यन आर्यन ही है, दोनों आर्यन ही है, दोनों ही आर्यन है. आर्यन, दोनों आर्यन को है कि मैसेज डाल दो, जो भी आर्यन है. ठीक है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है क्लियर. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. मैम, समवन हैज अनम्यूटेड बाय मिस्टेक. हां, यस यस यस, अगेन अगेन. ओके, अच्छा पूरे बैच में 3 आर्यंस है, अच्छा 4 आर्यंस है. ओके चलो नेक्स्ट लिखो. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ. हमारे दिन ब दिन काम के लिए ऑक्सीडेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. अभी पहला जो इफेक्ट है, हम जो हमेशा देखते आते हैं, दैट इज कोरोजन ऑफ मेटल. कोई भी मेटल ले लो, यहाँ पे मैं हमेशा रस्टिंग ऑफ आयरन बोलती हूँ, क्योंकि वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है समझने के लिए. So that is the corrosion of metal. The process in which metal are eaten up gradually by the action of air. The यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? The process in which metal are eaten up gradually by the action of
एयर हो सकता है या क्या है, एटमोस्फियर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर इज नथिंग बट वॉटर यहाँ पे, और अब केमिकल्स, और केमिकल्स भी हो सकते, और अब केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स हो सकते, सराउंडिंग में केमिकल्स भी होते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, मेटल का रस्टिंग होता है। हम आयरन की बात करेंगे तो रस्टिंग में बोलती हूँ यहाँ पे। द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से, एयर की वजह से, बाय यूजिंग मॉइस्चर की वजह से, और केमिकल्स की वजह से यहाँ पे। तो अभी देखो मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं बोलू रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे मैं अगर सिंपल एक एग्जाम्पल लेके बोलू कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज अ करोजन, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज नथिंग बट करोजन। अभी यहाँ पे किस किस का करोजन होता है देखो, सबसे ज्यादा तो आयरन का ही होता है। अगर हम मेटल ले रहे हैं Fe, कौन सा मेटल ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे Fe यूज किया हमने मेटल। अगर Fe को यहाँ पे एटमोस्फियर में क्या O2 है, एटमोस्फियर में क्या है O2 है, उसके साथ साथ क्या है बेटा मॉइस्चर भी है। हमने एक Fe मेटल ले लिया, एटमोस्फियर में क्या ऑक्सीजन, उसके साथ साथ मॉइस्चर है, मॉइस्चर में किस नथिंग बट वॉटर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, हाइड्रेटेड कंपाउंड बनेगा Fe2O3.XH2O, क्या बन गया Fe2O3.XH2O। मैम व्हाट इज X here? X मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, X मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज होते जाएंगे, कितना है अभी नहीं, X लिखा है मैंने यहाँ पे, कभी कभी 2 भी होते हैं वहां पे, कुछ कुछ बुक में 2 लिखा रहेगा। अभी रिएक्शन बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या मैं इसको 3/2 कर दूं, आप लोग पढ़े हो इतना। वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा कितना है, एक्स है। तो यहाँ पे आयरन है, आयरन का क्या हो जाए, करोजन हो गया। दिस इज कॉल्ड, जो Fe2O3 है दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये वॉटर मॉलिक्यूल्स है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहा मैंने, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है आप सबको पता है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। आप लोग जानते हो जब भी रस्टिंग होती है आयरन के ऊपर तो कलर कौन सा आता है यहाँ पे, रस्टिंग। यस दिस इज अ कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितने वॉटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइन है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स, ओके, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉटर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रहेगा यहाँ पे रेडिश। अभी सिर्फ जरूरी, यस बोलो, एनी डाउट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मैम, एज यू सेड इन सम ऑफ द बुक्स, श्रेया योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम, एज यू सेड इन मैम, आई चैट माय, आई विल पुट अ मैसेज ऑन चैट, ओके। अभी क्या सिर्फ आयरन ही कोरोड्स होगा, क्या आयरन का ही करोजन होगा, नहीं। आप लोग जानते होंगे कभी कभी जो कॉपर है, कॉपर का भी करोजन होता है, सिर्फ आयरन ही नहीं कॉपर भी करोड्स करता है, कॉपर का भी रस्टिंग हो सकता है, वहां पे मैं बोल सकती हूँ। तो कॉपर का जो रस्टिंग है या कॉपर का जो करोजन है या कॉपर पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन कॉपर, मुझे बता यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे क्या है कॉपर है, एटमोस्फियर में क्या है ऑक्सीजन है, एटमोस्फियर में क्या है मॉइस्चर है, लेकिन एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर की इजीली रिएक्शन हो जाएगी, एटमोस्फियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके यहाँ पे
CuCO3 dot CuOH by 2. CuCO3 dot CuOH by 2. ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है. पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है? यस मैम, लाइट की वजह से. ओके मैं नीचे लिख दूं यहाँ पे? यहाँ पे लिख देती हूँ. क्या लिखा? CuCO3 बनाएगा CuOH by 2. यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. इसको बोलते हैं हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट सॉल्यूशन. ये बेसिक होता है यहाँ पे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर हो जाता है. आप देखो कभी कभी आपके घर में कॉपर अगर पड़ा है तो आप उसको चेक करना, कॉपर जो होता है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है. है कॉपर के बर्तन है घर में, एक बार आज ऑब्जर्व करो. आयरन और आयरन तो करते ही रहते हो, आयरन का तो दिखाई देता है साफ साफ. आप अपने स्कूल में भी जाते होगे, नो यहाँ पे कोई भी टू नंबर ये प्रॉपर नंबर है, कोई भी नंबर आप श्रेया वहां पे नहीं लिख सकते हो. तो कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच हो रहा है वो हमें नहीं पता रहता है. तो वहां पे एक्स ही लिखोगे, मोस्ट ऑफ द बुक में एक्स ही लिखा हुआ है. तो डोंट ट्राई एनी अदर नंबर. ओके तो यहाँ पे जो कॉपर का, आपके घर में देखा कॉपर का ये होता है, जो अलग अलग ग्लास होते हैं कॉपर के, कॉपर के तो अभी बॉटल भी मिलती है. तो वहां पे कुछ कॉपर पे ग्रीन ग्रीन, हाँ कॉपर के कॉइन भी है, कॉइन तो बहुत ज्यादा ग्रीन होते हैं. तो जो कॉपर होता है उसमें ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है. तो ग्रीन पार्ट इज नथिंग बट रस्टिंग, वही जो ग्रीन. आयरन तो पता है आपको कि रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है, रेडिश यहाँ पे ब्राउन कलर होता है आयरन का रस्टिंग की वजह से. तो कॉपर का भी रस्टिंग होता है, लेकिन वहां पे कलर क्या रहेगा? ग्रीन कलर रहेगा. वहां पे कलर क्या होगा? ग्रीन कलर. तो कॉपर का भी रस्टिंग हो रहा है. उसी तरह से मैंने कहा कि जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर होता है, आप लोग अगर सिल्वर कॉइन अगर देखते हो घर में, या सिल्वर की घर में मूर्ति वगैरह होती है उसमें भी देखो ब्लैक कलर की हो जाती है. आप जो सिल्वर के जो आइडल होते हैं वो घर में रखते हो तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सिल्वर रिएक्ट करता है एटमोस्फियर में जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हो गए. क्या बात है आर्यन, इतना अच्छा कॉइन रखा है तुमने. तो Ag(H2S) के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा Ag2S. और जो Ag2S बनता है ये ब्लैक कलर का होता है. मतलब देखो किसकी वजह से, जो आपका जो सिल्वर है जो ब्लैक हो रहा है, किसकी वजह से, कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? Ag2S फॉर्म हो रहा है और यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है. वेरी गुड बोल रहा है प्रियांश, अच्छी बात है यार, पॉइंट रखें. मेरे पास अभी लेटेस्ट वाला कॉइन है 20 रुपीस का, अभी हम लेटेस्ट रखते हैं, बट उसकी रस्टिंग नहीं होता है क्योंकि वो बना रहता है स्टेनलेस स्टील से, तो उसमें रस्टिंग नहीं होती है. दिखाऊंगी बाद में. क्यों 20 रुपीस का कॉइन नहीं देखा आप लोगों ने? अरे बाद में कर दे कभी. तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का रहेगा और क्या होता है, यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है. लिखो रिएक्शन जल्दी से. अभी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग. कौन कौन सी मेथड है जो रस्टिंग को प्रिवेंट करती है? शायद आपको पता होगा. Oiling. Galvanization. Very good. Oiling है, galvanization है, painting भी कर सकते हो. यहाँ पे painting भी हो सकती है. कौन कौन से method है? पहली तो रहेगी यहाँ पे painting. Preventing. Ma'am, preventing. हाँ हाँ एक ही. पहले तो painting वाली, क्योंकि सबको पता है आप लोग स्कूल में जाते हो. Ma'am, स्कूल में जिस बेंच पे आप लोग बैठे हो, जहाँ पे टेबल पे, तो पूरा वो पेंटिंग किए रहते हैं, व्हाइट से है, ग्रीन से, वॉट एवर जो भी कलर होगा. तो अगर आप पेंटिंग करते हो तो वहां पे पेंटिंग करने के कारण क्या होगा? पेंटिंग जो पॉलीमर होता है,
तो पेंटिंग की वजह से जो आयरन होता है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड वॉटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, तो वहां पे जो पहला मेथड रहता है पेंटिंग का। उसके बाद जो सेकेंड मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीजिंग। ग्रीजिंग मतलब ऑयलिंग। यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है उसमें ग्रीस डाला जाता है, किसी लोगों ने देखा होगा ऑयली सब्सटेंस होता है ग्रीस। तो ग्रीस डालोगे तो एक मशीन जो भी होती है वो स्मूथ काम करती है। यस, डोर में भी डाला जाता है, हम एकदम काम करती है वो। हाँ, उसके बाद ऑयलिंग भी बोल सकते हो। उसके बाद थर्ड है गैल्वनाइजेशन। किसके लिए काम आता है गैल्वनाइजेशन में? गैल्वनाइजेशन इज डन बाय, किससे करते हैं गैल्वनाइजेशन? इज डन बाय जिंक। जिंक का कोटिंग भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे गैल्वनाइजेशन में, तो भी एक प्रोसेस होगा यहाँ पे, कोटिंग द सरफेस विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। अभी यहाँ पे तो ये हो गया हमारा जो हम देखते हैं मेटल के साथ। ये किसके साथ देखा हमने? मेटल, कॉपर है, आयरन होगा, सिल्वर होगा, इसी की रस्टिंग हो रही है। उसमें कुछ प्रिवेंटिव होगा, ऑयलिंग करो, ग्रीजिंग करो, पेंटिंग करो, यहाँ पे गैल्वनाइजेशन कर सकते हो, तो ये मेथड है। अभी यहाँ पे हमारे लाइफ में और एक दूसरा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है ये, क्या कोई जानता है? शायद नाम सुना होगा। रैंसिडिटी पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, पहली बार सुना। रैंसिडिटी होता है कंडीशन, मैं लिख ही देती थी, तो अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो मैं लिख देती हूँ। दी कंडीशन प्रोड्यूस बाय, मेरे साथ लिखो, दी कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल, मतलब जो एयर के साथ, एयर की वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, fat and oil in food marked by unpleasant smell is called rancidity. अभी आप लोग घी यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, तो कभी कभी ऑयल जो होता है ना एक अलग सी अनप्लेजेंट स्मेल होती है ऑयल में। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, बहुत दिनों तक जो ऑयल रहता है, बहुत दिनों तक, ऐसे नहीं कि जो नया ऑयल लेके आया उसमें वो अलग खुशबू होती है, लेकिन जो अनप्लेजेंट स्मेल होता है जो फैट्स और ऑयल में ज्यादातर पाया जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है? The condition produced by aerial oxidation. मतलब हम अगर उसको ओपनली रख देते कुछ ज्यादा टाइम तक, ऐसे नहीं कि मैं बोलूं कि आज रख दिया और कल आप बोल रहे हो कि उसका रैंसिडिटी प्रोड्यूस हो गई, नहीं। अगर बहुत दिनों तक ऑयल या फैट एज इट इज पड़ा रहता है तो उसके वजह से वो एक अनप्रेजेंट जो स्मेल आती है उसको कहते हैं रैंसिडिटी। यस, इस एरियल ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो ऑयल है, जो फैट्स है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और उसके वजह से क्या होता है, एक स्मेल आती है। तो इसीलिए उसमें यूज किया जाता है, यहाँ पे अगर मैं नाम बोलूँ यहाँ पे, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। आप देखो जो अभी जो न्यू कैन आते हैं ऑयल के, उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑयल होगा, जो फैट्स होगा, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। तो जो भी फैट्स होते हैं जो ज्यादा टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो अभी पैकिंग फूड मिलता है, तो उसमें सब में एंटीऑक्सीडेंट पहले से ही डाला जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पहले से ही डाला जाता है यहाँ पे। और उसके साथ साथ वैक्यूम पैकिंग भी होती है, मतलब एयर पहले से ही निकाला जाता है, तभी फ्रोजन फूड, हम फ्रोजन फूड बोलते हैं। तो फ्रोजन फूड मतलब क्या है? वो एयर टाइट कंटेनर में होता है, इन वैक्यूम कंडीशन में होता है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वैसे अगर ऑक्सीजन आ गया गलती से तो वो क्या होगा, रैंसिडिटी फॉर्म हो जाती है। क्लियर हुआ है?
एक था कोरोजन और था रेसिडिटी. क्लियर है यहां तक? यस मैम. अभी मुझे बताओ क्या सर ने आपको कोई शीट भेजी है, आपको कोई भेजा है सर ने होमवर्क के लिए? यस मैम, कल भेजा था 11. हाँ, तो वो पूरा आपको सॉल्व. एक्सक्यूज मैम, बोलो शिवा. मैम जो अशोका का पिलर है मैम, वो अब तक रेस्ट क्यों नहीं हुआ? कौन सा अशोका? अशोका हुआ है, आपको क्या पता ही नहीं है? जो स्टैचू जो वो है उसपे भी, लेकिन उसमें जो अशोक ये है उसमें पेंटिंग गैल्वनाइज सब प्रोसेस हो रही है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है करके. वो ग्रीनिश कलर का वो स्टैचू, लिबर्टी ऑफ स्टैचू, वो भी देखा होगा थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया था. अभी तो ठीक है, अभी उसमें प्रोसेस कर दी है, लेकिन वो भी ग्रीनिश हो गया था. ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, हो रहा है सर, बट उसमें प्रोसेस ये जाते हैं कि जो हमें नहीं ऑब्जर्व कर पाते, हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते. और किसी को? हाँ, सर ने 11 टू 26 भेजे होंगे बैलेंसिंग के लिए, तो रिएक्शन भेजे होंगे, बट बाकी भी क्वेश्चन है सर भेजेंगे आपको याद में. मैम वो सारे से बैलेंस? यस मैम, दे वर ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, ऑलरेडी बैलेंस वाले भेजे सर ने, नो प्रॉब्लम. मैं फिर से आप सर को बोल देती हूँ कि ये शीट जो क्वेश्चन है वो भी आपको भेज दे, ठीक है? फिर से स्कैम हो गया, ठीक है? तो एक काम करो, मैं आपको एक्सरसाइज भेज देती हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट टाइम जिसमें डिफिकल्टी होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. ओके, कैम 2021 चल रहा है. अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, अरे यार मस्त आंसर मिल रहे हैं हमें, ठीक है? नो मैम, पर मजा नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं है, तो मैं भेज देती हूँ, ठीक है? आंसर वाला स्कैम नहीं भेजूंगी मैं. सर को बोलती हूँ जो मेरे पास है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन है आंसर नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन है आंसर आप लोग को निकालना है, ठीक है? तो आप कर देना, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके okay? चलो मैम, कल साइंस का टेस्ट है. यस मैम, थैंक यू मैम. चलो कल साइंस का टेस्ट है, संडे. हाँ संडे. यस मैम. ऑल द बेस्ट. और कोई हुआ नहीं है तो यही रहेगा. मैम इन दिस चैप्टर विच टॉपिक? पूरा ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा जितना हमने दो दिन में तो 3 दिन में कवर किया है, होल चैप्टर. पेपर का मुझे नहीं पता, मुझे सर को एक बार पूछना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता था कल साइंस का क्या दिया. टॉपिक बताया होगा सर ने आपको? यस मैम, एंड फ्रॉम साइंस देयर इज टिल न्यूट्रिशन, एंड फ्रॉम केमिस्ट्री इट इज टिल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस. ओके, तो बैलेंसिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही आएगा फिर तो आपको. यस मैम, बोलो. मैम यू सेड यू वर गोइंग टू रिवाइज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एट द एंड ऑफ द क्लास. ओके ओके, तो बीच एक रिएक्शन कोई भी बता दो मुझे, आप कोई भी एक रिएक्शन जल्दी से बोलो, हम बैलेंस कर लेते. देखो मैं ही ले रही हूँ, ठीक है? अगर मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे CH2+O2, इट गिव्स CO2+H2O, H2O. तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस यहाँ पे मेटल, देन बैलेंस नॉन मेटल. After that non-metal, you have to balance oxygen and hydrogen. ये हमें use करना है. क्या इसमें कोई metal है? नहीं, इसमें कोई metal नहीं है. Metal नहीं है तो इसको cancel कर दो, non-metal की तरफ बढ़ो. इसमें non-metal oxygen भी है, carbon है, लेकिन हमें oxygen को बाद में balance करना है, तो पहले carbon को balance करेंगे. देखो carbon एक है यहाँ पे भी carbon एक ही है, तो carbon तो अभी balance है. उसके बाद चलो ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2 है, मतलब वो भी बैलेंस है. उसके बाद चलना है हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ पे बोलो हाइड्रोजन कितने है 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने है 2 है. तो अगर मुझे 2 को 4 करना है तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो हाइड्रोजन 4 है. अभी सॉरी यहाँ पे H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 हो गए. फिर से ऑक्सीजन काउंट करो, अभी फिर से ऑक्सीजन काउंट करना है. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है 2, फिर से कार्बन देखो, कार्बन 1 है 1,
ऑक्सीजन कितना हो रहा है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो, और ये दो ऑक्सीजन हो गए, चार हो गए, तो क्या मैं यहाँ पे भी टू लगा दू तो ऑक्सीजन चार हो जाएंगे? देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन फोर है, ऑक्सीजन चार है, तो यहाँ पे भी चार, रिएक्शन बैलेंस वन बाय वन। चलो पहले मेटल करो, उसके बाद नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, फिर से चेक कर। एक कोई भी चीज बैलेंस करने के बाद जो ऊपर वाला ट्रेंड रहेगा वो फिर से आपको चेक करना है, हर बार चेक करना है, ठीक है? ऑक्सीजन बैल, हाँ मैंने बोला एक ट्रिक्स है, आप साथ में भी कर सकते हो, ठीक है, बट कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो ट्रेंड मैंने बताया, जो एक सिक्वेंस बताया, उसी के थ्रू चलोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएगा। ओके मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन इन विच वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन विद द होल नंबर लाइक टू। अगर होल नंबर को आपको नहीं करना है तो मत करो, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And my fraction questions also. एक रिएक्शन मुझे प्रॉपर दिखनी चाहिए, इसलिए मैं होल नंबर से कन्वर्ट करती हूँ। अगर आपको 5/2 से समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है होल नंबर में कन्वर्ट करने की। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप आगे देखोगे तो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होती है, 5/2, 3/2 लिखा रहता है, तो वो एज इट इज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके संध्या, ओके यस मैम, और थैंक यू मैम। मैम यू वर गोइंग टू टेल सेकंड मेथड, सेकंड ट्रिक। हाँ हाँ हाँ, तो क्या आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हो? No, ma'am, you were going to tell to how to do balancing by second trick. Okay, okay, second process. आप पहले ये कर लो, second process बाद में पढ़ेंगे, पहले ये complete कर लो, क्योंकि confused हो जाओगे इसमें और उसमें फिर। वो भी easy है, interesting है process वो भी, but ma'am ये भी, ma'am आता है ये भी, तो वो दूसरा भी बता दो। चल चल बाद में बताएंगे वो, वो सबको एक साथ बताऊंगी process, वो भी interesting है but थोड़ा सा lengthy है, ये easy होता है, वो भी नेक्स्ट टाइम मैं पक्का बता दूंगी, मुझे याद दिला देना, पक्का बता दूंगी वो भी सब। अभी तो आधे लोग चले गए, तो नेक्स्ट टाइम पक्का। ओके चलो, ओके बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय एवरीवन।